इस समय मैं सरवाल के लास्ट मोड़ में हूँ और एक बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पर पेश आया है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक मकान का रिपेयरिंग का काम जो है वो चल रहा है और ये देखिए यहाँ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और एकाएक यहाँ से इनका ये आगे की तरफ बालकनी कह सकते हैं आप इसको, ये था। और रिपेयरिंग का काम जब हो रहा था तब नीचे से, नीचे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे से सपोर्ट दिया गया था। ये जो लेंटर नीचे आप देख रहे हैं ये जो गिरा है यहाँ पर, और ये बताया जा रहा है कि एक शख्स की यहाँ पर मौत हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। यानी कि एक मजदूर की यहाँ पर ऑन स्पॉट जो है वो मृत्यु हुई है और उपचार के लिए हालांकि उसको अस्पताल जो है वो लिया गया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उस शख्स की मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही दुखद हादसा है और ये रिपेयरिंग का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा था। तो अब मैं ऊपर से तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं नीचे जाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए रिपेयरिंग का काम चल रहा था क्योंकि यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ से भी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये सरिया आप देख सकते हैं। अब नीचे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि काम जो है वो कैसे यहाँ पर लगा हुआ था, और यहाँ पर लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। देखिए ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सारा देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर देखिए सपोर्ट दिया गया है, सपोर्ट दिया गया है। और जहाँ तक मोहल्लेदारों ने हमसे बातचीत करते हुए ये कहा कि यहाँ पर ये जो लेंटर ऊपर से गिरा है यहाँ पर, ये सपोर्ट देखिए, ये जो आप सामने की तरफ ये छोटे छोटे से ये पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको सपोर्ट दिया गया था कि आगे की तरफ रहने के लिए, यानी कि ऊपर से जो ऊपर से ये लेंटर जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे। और ये अभी कच्चे थे, यानी कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये लेंटर जो गिरा हुआ है ये इनकी, इन पिलर्स की सपोर्ट पर था ऊपर। और साथ ही साथ जैसे ही ये यहाँ से ये जैसे ही मजदूरों ने, ये जो आप खंबे देख रहे हैं ये खंबे यहाँ से हटाए, तो एकाएक जो है ये पूरा का पूरा लेंटर जो है वो वहाँ से गिरकर नीचे आ गया। और एक महिला मजदूर जो है, ये बताया जा रहा है कि एक महिला मजदूर जो है वो इसकी चपेट में आ गई और उस महिला मजदूर की जो है वो मृत्यु हुई है। और यहाँ पर जिनका काम लगा हुआ था उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है, पूरा माजरा क्या है। और घर के सदस्य हैं सर? नहीं, घर में नहीं, वो लेडीज बीमार है, वो मेडिकल लेके गई है। अच्छा, तो ये कि काम जो है वो कब से शुरू है और कैसे हुआ ये हादसा? 15 दिन हो गए काम शुरू किए हुए। ये पिलरिंग दे रहे थे मकान किराए का काफ़ी, तो उसको सपोर्ट के लिए ये पिलर दिए थे कि ये गिर ना जाए कहीं घर। तो जो जो बाहर बलियाँ दी थी जो सुबह मिस्त्री ने निकाल दी, जिसकी वजह से वो गैलरी नीचे आ गई। तो अभी कच्चा था वो? कच्चा था अभी, ये देख लीजिए आप देख रहे हैं सारा, ये मिस्त्री की लापरवाही कह सकते हैं या हादसा कह सकते हैं, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा। कितने मजदूर लगे थे? लेबर लगी थी, एक ही लेडीज आई है नीचे, एक ही लेडीज। जी तो लेबर कितनी थी ये मेरे को मालूम नहीं है अभी। अच्छा जी, तो देखिए फिलहाल एक लेडी जो है वो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ये लोग जो हैं, ये देखिए ये गैलरी है, ये पूरी की पूरी गैलरी है, यहाँ से ये नीचे आई है ये गैलरी। और समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा जो है वो इस समय यहाँ पर पेश आया है सरवाल लास्ट मोड़ पर, और हाउस नंबर 87 बताया जा रहा है ये। इसका हाउस का जो नंबर है, हाउस का नंबर जो है वो 87 बताया जा रहा है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि देखिए रिपेयरिंग का काम जो है वो यहाँ पर लगाया गया था, मजदूर यहाँ पर थे और एकाएक जो है वो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए वहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा होगा, ये पिलर्स जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये चार पिलर्स जो सामने की तरफ, यानी कि इस गैलरी को सपोर्ट के लिए ये चार पिलर्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे। और नीचे से सपोर्ट के लिए, जैसे वहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा है सपोर्ट, वहाँ पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऐसे ही ये सपोर्ट जो है इन चार के चार पिलर्स में लगाया गया था। लेकिन अब जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज सुबह जैसे ही यहाँ पर लेबर आई तो ये सपोर्ट हटा दिया गया, जबकि ये ऊपर जो ये पिलर सामने की तरफ निकाले गए हैं ये अभी कच्चे थे और ये लोड इस गैलरी का नहीं उठा पाए, जिसके कारणवश जो है वो ये गैलरी, सारी की सारी गैलरी जो है वो नीचे आ गई और एक महिला लेबर की, महिला मजदूर की जो है वो मृत्यु हुई है। ये
यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि एक महिला मजदूर की मृत्यु हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुखद है। आप लोग देखते रहिए आरली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।